नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे विद्युतदर्शी। इससे पहली क्लास में बेटा अपन ने बात की थी आवेश क्या होता है, कहाँ से आवेश आया, उत्पत्ति कैसे हुई आवेश की, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश को कैसे जनरेट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को। अभी अपन बात करेंगे विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या काम करती है बेटा, कि किसी भी छड़ पे अपन को पता लगाना हो कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो वो किससे पता लगेगा अपने विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी किस कंसेप्ट पे काम करती है, चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की, क्या किया कि एक कांच की बोतल ली, किस चीज की बोतल ली, कांच की, उसमें क्या किया कि एक धातु की छड़ लगा दी भाई, किस चीज की छड़ लगा दी, धातु की। धातु पे कौन सा आवेश होता है, धातु पे होता है धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। कैसे पता लगा, धातु का नेचर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है, धातु का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसको समझेंगे कि किस कंसेप्ट पे काम करती है, किस कंसेप्ट पे काम करती है कौन। ये क्या है, धात्विक डिस्क। क्या होता है धात्विक डिस्क, धातु की एक डिस्क बनी होती है, एक पट्टिका बनी है जिसको किससे जोड़ दिया, धात्विक छड़ पे। ये क्या है बेटा, कॉर्क। ये क्या हो गई अपनी धात्विक छड़। ये क्या है, कांच की बोतल, जिससे क्या हो धात्विक छड़ और इन पत्तियों को। ये क्या है, सोने की पत्ती है, गोल्ड की प्लेट है। अब क्या किया बेटा कि अपन ने इस, ये तो बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसे यहां से क्या कर देंगे, भू संपर्कित। कर दिया, ये तो बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की। अब बात करेंगे ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, अपने को कैसे पता लगेगा कि किसी छड़ पे धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक। मान लीजिए अपन ने छड़ ली और अपन को पता नहीं इस पे आवेश क्या है, अपने को पता लगाना है भी इस छड़ पे आवेश क्या है, तो इस छड़ को इसके पास लेके आए। ये क्या है, धात्विक छड़ है। एक अन्य धात्विक छड़ ली और इसको इस कोर के पास लेके आए। जैसे ही अपन इसको इसके पास लेके आए तो क्या हुआ, इस पे भी क्या है, धनात्मक आवेश। अपन को पता नहीं है भी कौन सा आवेश है, तो ये क्या हुआ, जब इसको इसके पास लेके आए तो इन दोनों ने क्या महसूस किया, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण हुआ, जिससे क्या हुई, ये सोने की जो पट्टिकाएं हैं, जो पत्तियां हैं, वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब दोनों में आवेश सेम आ जाएगा, सेम आवेश आएगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पत्तियां फैल जाएंगी। अपन ने देखा किससे, इसमें क्या देखा अपन ने, जो बोतल के अंदर पत्तियां थी वो छड़ को जैसे ही अपन पास लेके आए क्या होने लगी, फैलने लगी, एक दूसरे से दूर होने लगी, जिससे अपन को क्या महसूस हुआ कि इस पे जो चार्ज है, छड़ पे जो चार्ज है वो इस वाली छड़ के चार्ज के क्या है, समान है। समान कैसे हुआ, दो चीजें अगर, दो आवेश अगर सेम है तभी क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। वही चीज यहां हुई, सोने की पत्तियां क्या होने लगी, एक दूसरे से दूर जाने लगी, फैलने लगी। तो अपन ने क्या
डिस्कशन निकाला, निर्णय क्या निकाला, परिणाम क्या निकला कि जो इस छड़ पे आवेश है, जो अपन पास लेके आए थे इस वाली छड़ पे जो आवेश था वो इस छड़ के क्या हो गया, समान हो गया। इस पे अपन को आवेश पता था कौन सा था, धनात्मक था, इसलिए इस छड़ पे भी कौन सा आवेश हो गया, बोलो रे कौन सा आवेश हो गया, धनात्मक। ये तो बात हुई एक कि इस छड़ पे कौन सा आवेश हो गया, धनात्मक। ठीक है सर, ये तो अपन को पता लग गया इस पे धनात्मक आवेश है। अब मान लीजिए अपन ने जो दूसरी छड़ ली, एक बार प्रैक्टिकल हो गया अपना, एक छड़ ली उस पे आवेश कौन सा निकला, धनात्मक। ठीक है, अब क्या किया कि मान लीजिए दूसरी छड़ ली और उस पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। अब क्या किया अपन, जैसे ही इस छड़ को इस कोर के पास लेके आए तो क्या हुआ, आवेश क्या है दोनों में, अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे ही छड़ को कोर के पास लेके आए, कोर्क ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, छड़ को क्या करेगा, कोर्क अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सोने की पत्तियां हैं, ये धातु की, सोना क्या होता है, धातु होता है, धातु में आवेश होता है, आवेश आया चालन द्वारा, इनमें आवेश आया, आवेश से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी, एक दूसरे के पास आने लगी, सरकने लगी, एक दूसरे की ओर खींचने लगी। तो अपन ने क्या निर्णय निकाला, क्या परिणाम निकाला कि इस छड़ पे जो आवेश है कौन सा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे पता लगा बेटा, क्योंकि अपन को पहले से पता था कि धात्विक छड़ पे कौन सा आवेश है, धनात्मक है। आकर्षण कब होता है दो चीजों में, जब दोनों का आवेश विपरीत प्रकृति का हो, इसका आवेश धनात्मक है तो इसका आवेश कौन सा हो जाएगा अपने आप, ऋणात्मक। ये छोटी सी जानकारी थी विद्युतदर्शी की, जो आप लोगों ने समझ ली होगी, हो सकता है अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लेना। अब बात करेंगे आवेश के मात्रक की, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक। मात्रक अपन निकालते हैं दो तरीके से, एक पद्धति होती है MKS पद्धति, MKS फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है किलोग्राम, और इसका मतलब होता है सेकेंड। ये किसको डिनोट करती है, लेंथ को, लंबाई को, ये किसको, भार को, और ये समय को। ठीक है, ये बात हुई MKS पद्धति की। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, कूलाम। इसे किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, अब बात करेंगे CGS पद्धति में, CGS की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। आगे या समझ, इसमें इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ये तो बात हुई कि आवेश को किसी छड़ पे आवेश कैसे पता लगेगा, तो विद्युतदर्शी का एक एक्सपेरिमेंट देखा अपन ने, इसका आवेश का मात्रक अपन ने जान लिया। अब आगे आवेश की नेचर के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। 12वीं क्लास के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था आवेश वाला, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो चुका है, दो वीडियो आ चुकी है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।